Hello guys, welcome or welcome back to my channel and welcome back to another video. And this is a brand new video. It is an outfit from scratch video and I thought Diwali is coming, so of course you guys must be in search of new outfits, new traditionals and everything जो आपके festive season को बहुत ही अच्छा बना दे. आपको party look चाहिए होगा, आपको lunch, brunch या फिर गेस्ट लुक चाहिए होगा. सो आई थॉट यस व्हाई नॉट टू क्रिएट एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच एंड ऑल्सो दैट टू ऑफ अ सेलिब्रिटी आउटफिट. मतलब एक रिक्रिएशन है ये सेलिब्रिटी आउटफिट का एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. ये एक मनीष मल्होत्रा का आउटफिट है जो परिणीति चोपड़ा ने पहना था. एंड अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं रेफरेंस ऑफकोर्स यहाँ पे डाल दूंगी जो उन्होंने पहना था. एंड I totally loved that outfit. और सारी है तो of course you are going to enjoy it in this festive season. और वो एक पार्टी लुक वाली साड़ी है तो आप दिवाली पार्टीज में बहुत अच्छे से उसको फ्लॉन्ट कर सकते हो. और सारी की सारी छोटे छोटे क्लिप्स और जो भी मैं मार्केट में गई हूँ, शॉप्स में गई हूँ, सब कुछ मैं आपको आराम से इसमें एक्सप्लेन करूंगी. और सारी की सारी चीजें ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स और शॉप्स आपके सिटीज में भी होंगे. So yes, without wasting much time, let's start with our video. So as you can see, this is the outfit that I wanted to recreate. It is a black satin ki sari and I loved it. Isme jo sleeve detailing hai, wo sabse pyari cheez hai. Aur sabse zyada jo mehnat hai aur sabse zyada jo dimag hai, wo sab wo sleeve detailing mein hi hai. So yes, I went to this shop in Vadodara, which is in Panigate. Aur wo अगर आप वडोदरा से हो तो मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ तो आपको पता चलेगा. आप पानीगेट वाले गेट में लेफ्ट साइड पे जाओगे जो दुपट्टा वाली लेन है, वहां पे थर्ड या फोर्थ शॉप है इसकी भी. और ये एक लंबू अंकल है. सो यस, यू विल गेट सिमिलर फैब्रिक्स इन योर सिटीज एज वेल अगर आप बड़ोदरा से नहीं हो. सो डोंट वरी, आपके भी यहाँ पे जो भी लोकल फैब्रिक मार्केट है आप वहां पे जा सकते हो. और ये मैंने कॉटन सेटिन फैब्रिक लिया है, कॉटन ताकि वो बहुत गर्मी ना लगे आपको और सेटिन बिकॉज वो शाइन दे. तो मैंने ये कॉटन सेटिन का फैब्रिक लिया था और ये मुझे पड़ा था 90 रुपीज पर मीटर. आई थिंक मैंने 8 मीटर्स लिया था. यस मैंने 8 मीटर्स लिया था. 6 मीटर्स मैंने साड़ी के लिए रखा बिकॉज आई वांटेड अ लिटल बिट ऑफ लॉन्ग साड़ी. मुझे थोड़ी सी लॉन्ग साड़ीज चाहिए रहती है मेरे लिए. तो 6 मीटर्स मैंने साड़ी के लिए रखा और 2 मीटर में से मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक वेलवेट. आई टुक दिस कॉटन सेटिन ओनली ताकि मैं उसको और चीजों के साथ भी स्टाइल कर सकूं. सो यस, दिस इज द फैब्रिक दैट आई गॉट. 8 मीटर का मैंने कपड़ा लिया था और मुझे 90 रुपीज पर मीटर का ये कपड़ा पड़ा था. नाउ द नेक्स्ट टास्क वॉज टू टेक बॉर्डर्स. बॉर्डर्स जो थी ना, अगर आप इसके फोटो में देखोगे तो मल्टी कलर की बॉर्डर्स है इसमें. पिंक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, गोल्डन कलर है. तो मैंने सारी की सारी बॉर्डर्स उसी के हिसाब से ली थी जो उसके बॉर्डर ब्लाउज में थी. नॉट सेम डिजाइन बट सिमिलर डिजाइन और सिमिलर कलर्स. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो एकदम स्लीव्स के एंडिंग में जो लटकती हुई बॉर्डर है वो ये वाली बॉर्डर है जो मैंने ली थी, एज यू कैन सी. और सारी की सारी जो स्लीव के लिए बॉर्डर्स ली है वो मैंने 2 मीटर ली है, नहीं 1 मीटर ली है. यस, तो जो भी साड़ी मैंने स्लीव के लिए बॉर्डर्स ली वो साड़ी 1 मीटर ली है. सो दिस वाज द फर्स्ट वन जो स्लीव के एकदम एंडिंग में लगी हुई है. आपको यहाँ पे क्लिप्स साड़ी की साड़ी मैं साइड में इंसर्ट कर दूंगी और एक वीडियो भी आएगा जिसमें सब कुछ आपको दिखेगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट बॉडी. ये मैंने ली थी 45 रुपीज पर मीटर की. सो यस, ये फर्स्ट बॉर्डर है. उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट लेट मी गेट द ब्लाउज एज वेल. ओके, सो तो ये जो कॉटन सेटिन का फैब्रिक था वो है और ये रहा मेरा रेडी ब्लाउज. सो दिस वॉज द फर्स्ट बॉर्डर जो मैंने ली हुई है, जो मैंने आपको दिखाई वो यहाँ पे लगाई है. नाउ आफ्टर दैट इसमें सारे कलर्स के बीच बीच में एक गोल्डन बॉर्डर्स थी तो वो मैंने ली ये वाली बॉर्डर. और इसका मैंने पूरा रोल ही उठा लिया था बिकॉज वो सस्ता पड़ता है. अगर आपको ऐसा हो ना कि 3-4-5 मीटर से ज्यादा लेस अगर कहीं पे भी लगेगी तो आप ऐसा पूरा रोल उठा लोगे तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा. और ये मुझे 110 रुपीज का पूरा रोल मिला था. तो ये रहा बॉर्डर का रोल. ये वाली बॉर्डर है जो मैंने हर एक बॉर्डर्स के बीच में लगाई हुई है. एज यू कैन सी
ये गोल्डन है, उसके ऊपर एक गोल्डन है, इसके बाद मैंने ये ग्रीन वाली ली है। अब ग्रीन में ऐसा कुछ सीन था कि मुझे थिक वाली बॉर्डर नहीं मिल रही थी, मुझे ये पतली वाली बॉर्डर मिल रही थी। एज यू कैन सी ये बहुत ही पतली बॉर्डर है जो मैंने ब्लू और पिंक ली है उससे। तो इसको मैंने क्या किया, ये देखो ये है ना बहुत ही पतली बॉर्डर है, तो इसको मैंने डबल ले लिया, मतलब 1 मीटर की जगह 2 मीटर ले लिया और उसको मैंने ऐसे स्टिच करवाया। ये देखिए हो गई थिक बॉर्डर, तो मैंने ऐसे उसको स्टिच करवाया है यहाँ पे ब्लाउज में, एज यू कैन सी। उसके बाद अगेन ये गोल्डन का बॉर्डर, उसके बाद ब्लू बॉर्डर जो अगेन मैंने ये ली है। ये वाली सारी 30 रुपीज पर मीटर वाली बॉर्डर्स है, ग्रीन पिंक और ब्लू सारी की सारी। सो दिस वॉज द सेकंड बॉर्डर आई वेंट अहेड एंड द लास्ट वन इज दिस पिंक वन। अगेन सारी की सारी आप इस तरह से ले सकते हो कि सारे में गोल्डन हिंट्स आए तो वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे मैच कर ले। सो यस, यही मेरा एक थॉट प्रोसेस था जब मैं बॉर्डर सिलेक्ट कर रही थी कि सारे के सारे बॉर्डर्स में थोड़ा सा गोल्डन का हिंट आए और वो गोल्डन थोड़ा सिमिलर हो, ना कि कोई कॉपर और कोई गोल्डन, या फिर कोई एकदम येलो गोल्डन या फिर कोई कॉपर, तो थोड़ा सा सिमिलर गोल्डन के बेस पे आप लोगे तो वो अच्छा ही लगेगा। सो दिस वॉज द लास्ट बॉर्डर, इट इज दिस सीक्वेंस का बॉर्डर जो पिंक कलर में है। एंड अगेन लास्ट वाला लेयर मैंने इसका लगाया। सो यस, दिस इज हाउ आई डिजाइंड इट, मतलब मैंने ये टेलर को ऐसे प्लेसमेंट करके दिखा दिया था। और इफ पॉसिबल तो आप भी ऐसा कर सकते हो, टेलर के पास जाके अपने सामने रखवाओ। मैंने एक स्लीव का बॉर्डर अपने सामने रखवाया था और दूसरी स्लीव का फिर उन्होंने अपने आप से रख लिया था। सो यस, इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन डू दैट, और अदरवाइज आप ऐसे ही स्केच करके दे दोगे तो वो समझ ही जाएंगे ऑफकोर्स। अरे ये प्लेन वाली साड़ी है, एज यू कैन सी इसमें मैंने गोल्डन एक बॉर्डर थिक वाला लगाया है, जो उसमें लगाया जो परिणीति की बॉर्डर में भी है, मतलब साड़ी में भी है, बट उसने फ्रंट में नहीं दिखाया है, बैक में दिखाया है, इफ यू विल सी इट प्रॉपरली। तो मैंने भी स्टाइल और ड्रेप ऐसे ही किया था कि फ्रंट में ना दिखे और बैक में दिखे। सो दिस वॉज द बॉर्डर फॉर द साड़ी, आई रियली लव्ड दिस बॉर्डर। ये मैं खरीदते वक्त ही मुझे इससे प्यार हो गया था, आई जस्ट लव्ड दिस बॉर्डर। और ये बॉर्डर मुझे 150 का पूरा रोल पड़ा था। सो यस, दिस इज द बॉर्डर फॉर द साड़ी एंड नाउ लेट्स गो अहेड। और ये जो शॉप थी बॉर्डर्स वाली, वो मेहसाना में तोरणवाड़ी मार्केट में थी, अलंकार करके शॉप है। अगर आपको बड़ौदा का ऑप्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ कमेंट्स में बता दूंगी, क्योंकि मैं बड़ौदा, अहमदाबाद और मेहसाना, ये 3 सिटी से वाकिफ हूं। मैं ये 3 सिटी का आपको डिटेल बता सकूंगी कि आपको कौन सी चीज कहां पे मिल जाएगी। सो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी द लुक। So yes, that's it for today's video. I really hope you enjoyed watching this video, and if you did, then please do not forget to give it a big thumbs up, share it with all of your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel for more such Diwali content, fashion content, beauty content, lifestyle content and everything. Also, I really enjoyed making this saree jo ekdam replicate kar rahi thi Pariniti Chopra ki saree se, jo इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनीष मल्होत्रा की साड़ी है। तो मैंने ये साड़ी बनाई है सिर्फ 3000 रुपीज में, विच इज क्रेजी, यू नो, लाइक डिजाइनर साड़ी, आपको डिजाइनर आउटफिट पूरा एक 3000 रुपीज में रेडी हो गया था। आई रियली 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 लव्ड दैट। और मैं बस अब वेट कर रही हूँ कि मेरे कोई अच्छे वाले रिलेटिव की अच्छी वाली फंक्शन आए तो उसमें मैं ये साड़ी पहन सकूं। एंड यस, आई रियली एंजॉयड इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा, रिक्रिएशन कैसा लगा। यू कैन रेट द आउटफिट एज वेल, यू कैन रेट माई रिक्रिएशन एज वेल एंड एवरीथिंग। एंड यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।